दोस्तों, गाड़ी खरीदना किसे पसंद नहीं। हर कोई चाहता है कि उसके पास आलीशान गाड़ी हो, लेकिन क्या वे अपनी गाड़ी को जमीन में दफन कर देगा। तो आज हम आपको एक ऐसी गाड़ी की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जिसे पूरे 50 साल तक जमीन में दफन रखा। ऐसा क्यों और किस लिए रखा, आगे हमारी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि अमेरिका में टाइम कैप्सूल दबाना आम बात है। लोग आज के समय की या पुरानी समय की कुछ चीजें जमीन में दबा देते थे ताकि आने वाली पीढ़ियां कुछ समय के बाद इतिहास को याद रख सके। 1957 में भी बहुत से टाइम कैप्सूल जमीन में दबाए गए थे। उनमें से एक खास था अमेरिका के एक राज्य ओक्लाहोमा का टाइम कैप्सूल। ये राज्य अपना 50वां जन्मदिन मना रहा था और इसी खुशी में इस राज्य के शहर तुलसा में एक टाइम कैप्सूल बनाया गया। ये टाइम कैप्सूल कोई चीज या सामान नहीं बल्कि एक चमचमाती आलीशान गाड़ी थी जिसका नाम था प्लेमाउथ बेल्वेडियर, जिसे शहर के मुख्य टाउन हॉल बिल्डिंग के सामने दबाने का प्लान किया। उस समय बेल्वेडियर नाम की गाड़ी को शाहीपन की निशानी समझा जाता था, इसलिए सभी ने मिलकर इस गाड़ी को आने वाली पीढ़ियों के लिए गिफ्ट के तौर पर बनाया और इस गाड़ी को दबाने से पहले इसे बचाए रखने के लिए हर तरह की संभाल की गई। गाड़ी में 40 लीटर पेट्रोल भरवाया गया और 5 लीटर मोबिल अलग से रखा गया और इसमें गाड़ी की चाबी, कुछ सिगरेट की डब्बियां, कुछ दवाइयां, बियर की बोतल और पार्किंग की टिकट भी रखी गई। और इसके अलावा इस गाड़ी में एक लोहे का डिब्बा जिसमें 20 लीटर गैसोलीन, एक चर्च का मैसेज, एयरपोर्ट का मैप, उस दिन के अलग अलग अखबार, 48 सितारों वाला अमेरिका का फ्लैग, इन सब चीजों को उस डिब्बे में बंद करके उसके साथ दफनाया गया था। जिस दिन इसे दफनाया गया था उसी दिन इसे बाहर निकालने का दिन भी तय कर दिया गया था, मतलब कि ओक्लाहोमा राज्य के 100 साल पूरे होने पर इस गाड़ी को बाहर निकाला जाएगा। जिसके बाद उस दिन ये तय किया गया कि एक लॉटरी के तहत इस गाड़ी को बाहर निकालने के बाद जीता जाएगा। शर्त ये थी कि जो भी 2007 के समय तुलसा शहर की जनसंख्या का सही अंदाजा लगाएगा उसे ये गाड़ी दे दी जाएगी। इसमें कुल 812 लोगों ने इस लॉटरी में हिस्सा लिया और अपना अपना अंदाजा एक टेप में रिकॉर्ड करके इस टेप को बेल्वेडियर के अंदर ही रख दिया गया। गाड़ी को दफनाने के बाद एक मोटी परत कंक्रीट की डाल दी गई और इसके ऊपर एक लोहे की शीट इस तरह लगा दी गई ताकि लोगों को इसके बारे में याद रहे। जल्द ही 50 साल बीत गए और इस गाड़ी को बाहर निकालने की 18 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई। इसे देखने के लिए शहर के बड़े बड़े लोग, रिपोर्टर और बहुत सारे आम लोग इकट्ठा हुए। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी, इनमें से कुछ लोग वे भी थे जिन्होंने इस गाड़ी को अपनी आंखों से दफनाते हुए भी देखा था और ऊपर से कंक्रीट को हटाकर गाड़ी को बाहर निकाला जाने लगा। तो सब लोग ये देखकर हैरान हो गए, गाड़ी पूरी तरह से पानी में डूबी पड़ी थी और गाड़ी के ज्यादातर हिस्से को जंग लगा हुआ था और सब ये सोचने लगे कि शायद अब ये गाड़ी कभी ना चल सके। और अब इस बात ने सबको हैरान कर दिया कि गाड़ी में रखी गई टेप और गाड़ी की चाबी गायब थी, लेकिन वो लोहे का डिब्बा जिसमें बाकी सारा सामान रखा गया था वह सही सलामत था और वह लॉटरी भी जिसमें जीतने वाले का नाम था और लॉटरी के तहत इस गाड़ी के मालिक बने रेमोंड एंडरसन। लेकिन बदकिस्मती से 1979 में उनकी मौत हो गई और ये इनाम उनकी 100 साल की बहन को दे दिया गया। गाड़ी को एक कंपनी को ठीक करवाने के लिए सौंप दिया गया। पूरे 8 साल का समय इस गाड़ी को ठीक होने में लगा और ये पूरी तरह से ठीक हो गई। इसके बाद इस गाड़ी को 2015 में इलिनॉइस म्यूजियम में लगाया गया। दोस्तों, आज के समय में इस तरह गाड़ी को दफनाना लोगों में एक आम खूबी बन गई है। तो दोस्तों, ये थी इस गाड़ी की कहानी और आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।